पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस किए थे। चैप्टर कौन सा चल रहा है सर? लीवरेज। जो बच्चे नए स्टूडेंट हैं उनको पहले 2 क्लासेस लेनी पड़ेगी, यानी आपके कंटेंट सेक्शन में है वो लीजिएगा, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली। आज क्योंकि जो बच्चे नए डायरेक्टली देखेंगे तो शायद उन बच्चों को आज समझ में ना आए, कल तक मैं बोल सकता था समझ में आ जाएगा, लेकिन आज थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन भी हमारा होगा। ठीक है, टू लेट टू लेट। चलिए सर, अब हम ने क्या क्या कर लिया? हमने लीवरेजेस में सबसे पहले फॉर्मूला, स्टार्टिंग ही फॉर्मूला से करते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज होता है हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और हमारा फाइनेंसिंग लीवरेज क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। और अगला कौन सा होता है? कंबाइंड लीवरेज, जिसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। इसमें 2 साल का भी डेटा होता है, वो आज ही हम कवर करेंगे। फॉर्मेट है सिंपल सा, इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है सर? सबसे पहले होता है सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस होता है? फिक्स कॉस्ट। जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं ईबीआईटी। फिर इंटरेस्ट करते हैं हम माइनस, फिर आता है ईबीटी, और ऐसे कंटिन्यू रहेगा हमारा। चलिए सर, इसके अंदर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखे थे। ये सारे लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम और भी इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। दैट इज, ये हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, और होमवर्क नहीं दिया था, आज होमवर्क भी दे देंगे आपको। चलिए, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन सीधा स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, सिंपल क्वेश्चन है, कहता है आपको अभी पहले यूनिक क्या है इस क्वेश्चन में। एक आपको बैलेंस शीट गिवन है, यूनिकनेस क्या है आपको इस क्वेश्चन के अंदर? बैलेंस शीट गिवन है सर। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सर, मुझे क्वेश्चन 2 बता दो सर। मुझे कल के क्वेश्चन में जिसके डाउट है ना, कल वाले क्वेश्चन में लास्ट में रुक के देख लेंगे, सामने स्लाइड दिखाऊंगा, वॉइस रेज, आप हैंड रेज करोगे और हैंड टू हैंड क्लियर हो जाएगा उनका डाउट। ठीक है ना, पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है सर इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है। आपको याद होगा मैंने सवाल में रिटेन अर्निंग भी बताया था कि क्या होता है, डिविडेंड में से जो बच जाता है। लॉन्ग टर्म डेट है, तो सर इसके ऊपर आपको ब्याज निकाला जा सकता है। अगर 80,000 है तो इसके ऊपर ब्याज बनेगा सर 8,000। करंट लाइबिलिटी, फिक्स एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। कहता है द कंपनी टोटल एसेट टर्न ओवर रेशियो सर, टोटल एसेट टर्न ओवर रेशियो दे दिया, टोटल एसेट टर्न ओवर रेशो। इसका फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा आपने, क्या फॉर्मूला होता है सर? सेल्स अपॉन में टोटल एसेट, ये फॉर्मूला होता है। जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता, मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि टोटल एसेट टर्नओवर रेशो में सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। कहता है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी सर आपको फिक्स कॉस्ट भी दे दिया इसने। दैट इज आपके पास 1 लाख। आगे कहता है वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज 40%, आपको वीसी दे दिया 40%, और द इनकम टैक्स रेट 30%, यानी आपको आईटी इनकम टैक्स रेट 30%। जो जानकारी गिवन है मैं सिर्फ यहां पे प्लॉट कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन ही उतार रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आगे करने जा रहा हूं।
कैलकुलेट द कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेज। डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेज का मतलब अलग अलग टाइप के जितने लीवरेज है उसको डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेज कहते हैं, जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंसिंग लीवरेज और कंबाइन, तीन ही हमारे लीवरेज है, इससे ज्यादा लीवरेज है नहीं। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, हमारे और गिवन द फेस वैल्यू इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच। सिर्फ इसके अंदर पूछा गया है डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेज, लेकिन हम इस क्वेश्चन में ना ईपीएस भी निकाल के देख लेंगे, क्योंकि फेस वैल्यू शेयर्स का दे रखा है और हमें शेयर्स भी पता है, तो दैट इज ईपीएस भी हम निकाल लेंगे। सर फॉर्मेट तैयार करते हैं, जो फॉर्मेट सीखा था वही फॉर्मेट है, कोई बदलाव है नहीं फॉर्मेट के अंदर, जो स्टेटमेंट सीखा था एग्जैक्टली वही फॉर्मेट बनाने वाले हैं। चलिए चलिए, एक ही साल का बनाएंगे ना डेटा, तो ओहो सिर्फ एक साल का डेटा बनाना है। ये आ गया अमाउंट, ये आ गया पर्टिकुलर। सबसे पहले क्या होगा सर, सेल्स। अब मजे की बात, पूरे क्वेश्चन में सेल्स ही नहीं दिया, ठीक है, सेल्स नहीं दिया, लेकिन आप क्या देखोगे यहां पे, आपको इससे रिलेटेड अगर सेल्स निकालना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टॉक टोटल एसेट टर्नओवर दे रखा है। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे हम, और ये फॉर्मूला मुझे समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने 12th स्टैंडर्ड में भी आपने डेटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो सीखा हुआ है, आपने कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर भी कहीं ना कहीं देखा होगा। जिनको नहीं पता, तो ऐसा नहीं कि रेशियो पूरा इस्तेमाल होगा, मात्र एक आध रेशियो है जो कि इसमें दे देते हैं, जैसे कि सेल्स वाला और एक डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन में इक्विटी। अब बाकी कोई रेशियो इस चैप्टर में नहीं आने वाला, तो आप जितने भी स्टूडेंट है ये सोच के बिल्कुल भी ना घबराए, जो बच्चों को लगता है यार इसमें रेशियो भी सीखना पड़ेगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है रेशियो का। तो सर आपको ये इसने कितने दे दिए, सर ये तीन दे दिए आपको, तो तीन यहां लिख लिया, सेल्स की जगह पे सेल्स रख लेते हैं। सर टोटल एसेट्स क्या होता है, बैलेंस शीट का जो टोटल होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितना है हमारा, तो सर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सेल्स निकाल सकते हो बड़े आसानी से, कितने का, 6 लाख। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट सेल्स कैसे आया, बता भी दिया आसिम ने, बता दिया प्रथम ने, बता दिया 6 लाख रुपए। यश का आ गया, ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, 6 लाख रुपए आ गया। तो मैं सेल्स की जगह पे सेल्स प्लॉट कर दूं। अब माइनस क्या करें सर, अब वेरिएबल कॉस्ट का क्या दे रखा है, 40% दे रखा है, तो इसका 40% अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 लाख। अब यहां तक सभी बच्चे को क्लियर है, तो क्या आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज 3,60,000। अब माइनस क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, बचा कितना, 2,60,000। इसका नाम क्या देंगे, EBIT। पहले यहां तक देख लो, हर बच्चे को क्लियर है यहां तक, अभी पीयूष रेगुलर क्लास चल रही है आपका, रेगुलर क्लास हम ले रहे हैं इसलिए आज की क्लास रखी है, तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, मे बी टाइम टेबल नहीं अनाउंस हुआ हो लास्ट क्लास में, अभी रेगुलर क्लास लेंगे, 10-12 दिन रेगुलर क्लास रहेगी, ताकि आपका एक यूनिट ये वाला खत्म हो जाए, फिर ऑल्टरनेट कर देंगे हम, अभी फिलहाल रेगुलर क्लास लेंगे, और 2 घंटे की क्लास की टाइमिंग कर दी है, तो उसके हिसाब से रहेगा। आगे देखते हैं सर क्या है, और माइनस में
इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट कितने का है? आपका क्वेश्चन में गिवन है 10%, यानी इंटरेस्ट टैक्स रेट है 30 क्या है, इनकम टैक्स है वो। तो इंटरेस्ट किस पे निकालोगे सर? लोन पे। लोन क्या है? मात्र एक डिबेंचर। तो ये आ गया 8,000। हर बच्चों को क्लियर है 8,000? ब्रैकेट लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने लगा दिया इस क्वेश्चन में, इसलिए सब जगह लगा दिया। 250, टू, ये क्या आ गया? प्रॉफिट ऑफ बिफोर, अर्निंग ही लिखते हैं ना, हर जगह अर्निंग लिख रहे हैं तो अर्निंग ही लिखते हैं। चलो अब इसमें से क्या माइनस होगा सर? माइनस कर देते हैं टैक्स, क्योंकि मैं ईपीएस भी निकाल लेता हूं, हालांकि क्वेश्चन में नहीं बोला लेकिन इसमें निकाल लेते हैं। तो टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स कितना होगा हमारा सर? टैक्स हो जाएगा हमारा 75,600। अब माइनस करके क्या रिजल्ट आएगा? प्रॉफिट आफ्टर अर्निंग आफ्टर टैक्स, या पैट बोल लो, माइनस करो क्या आता है? एक लाख 76,400। अब हम ईपीएस निकालेंगे तो क्या होगा? इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर? मैं इधर बता देता हूं निकाल के। सर हमारे टोटल 60,000 था और एक शेयर 10 का, तो नंबर ऑफ शेयर्स 60,000 डिवाइडेड बाय 10, तो कितने हो गए? तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारा 6,000 आ गया, और डिवाइड करोगे जब इन दोनों के बीच में तो आपका आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। टू पॉइंट, यानी ईपीएस हमारा 2.94 का, समझ में आया? अब गलत आ रहा है, 29 आएगा। अच्छा हाँ, 29.4, ठीक है। अब सर एक और सवाल का पॉइंट तो मेन तो रह गया, डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंसिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। अगर आपने ये स्टेटमेंट तैयार कर लिया तो ये सारे के सारे लीवरेज निकालना बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसलिए इस सवाल में मैं फॉर्मूला ना लिख के मैं तीनों टाइप का यहाँ लीवरेज फटाफट से निकाल देता हूँ आपके आंसर को चेक करने के लिए। DOL बता दो बच्चों, DFL बता दो, TCL बता दो। देखते हैं DOL किसका आता है। 1.38, DFL 1.03 और 1.42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 डन। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए। सभी का जवाब आ गया, सभी का जवाब आ गया। निधि, निशु, प्रदीप, दिया, भावना, सभी का जवाब लगभग लगभग आ गया। हर किसी किसी को क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल आ गया।